आप जैसे देख सकते हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं आज जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये विरोध प्रदर्शन जो है आज अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर मना रहे हैं। और यह अनएम्प्लॉयमेंट डे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का अवसर पर ये मनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो है बीजेपी गवर्नमेंट हर फ्रंट पे जो है फेल रही है, खास करके युवाओं को नौकरी देने में वो बिल्कुल विफल रही है, और इसी का रोष प्रकट करने के लिए आज ये बाहर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन को वो जब केक काट कर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। गहराइयों से जो है नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन साथ ही साथ ये बताना चाहते हैं कि यह सरकार 2014 से पहले जो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे करती थी, बड़ी बड़ी संभावनाओं को संबोधित करती थी, और बार बार ये कहती थी कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, हम यहाँ के युवाओं को जो है एक अच्छा शासन देंगे। तो जब 2 करोड़ रोजगार पूरे देश के अंदर युवाओं ने ये सोच के वोट दिया कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लाख रोजगार देना मुश्किल हो गया भाजपा को। GDP जो है गिराने का काम भाजपा ने किया, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने का काम भाजपा ने किया। जो हमारी स्टेट है जिसको यूटी में जो है कन्वर्ट किया गया और अनलॉफुल तरीके से यूटी बनाई गई, और उस यूटी के बनने के बाद यहाँ की भाजपा सरकार ने कहा कि हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। आपको पता होगा कि जितनी भी PSC SSRB की रिक्रूटमेंट थी सबकी सबको क्वेश्चन किया गया इनके द्वारा, और यहाँ के युवाओं को प्रताड़ित करने का काम किया। और यह भाजपा लैंड माइनिंग माफियाज को जो है बढ़ाने का काम कर रही थी, ये इलीगल तौर पे जो है अपने मकान बनाने का काम कर रही थी, ये अपने ही लीडरों के ऊपर निशान है। हमारी यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन रहे, और यहाँ की जो है नौकरियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो NSUI कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी है, पहले भी थी, आगे भी खड़ी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।